नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने ट्रेन में सफर तो किया ही होगा और आपने देखा होगा कि जिस कोच में आप सफर कर रहे हैं उस कोच पर एक नंबर लिखा होता है जो कभी 4, कभी 5 या फिर कभी कभी 6 अंक का भी होता है। क्या आपने सोचा है कि आखिर इस नंबर का मतलब क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस नंबर का मतलब आखिर में क्या होता है। दोस्तों दरअसल कोच पर लिखे इन नंबर के शुरुआती 2 अंक उस कोच के बारे में बताता है कि यह कोच किस साल में बना है, मतलब यह कोच किस समय बनाया गया है। दोस्तों जैसे कि किसी कोच का नंबर 0122 है तो इसके स्टार्टिंग के 2 अंक मतलब 01 ये इस कोच को 2001 में बना है उसे दर्शाते हैं। दोस्तों अगर किसी कोच का नंबर 92322 है तो इसके स्टार्टिंग के 2 अंक मतलब 92 यह बताएंगे कि यह कोच 1992 बना है और इसके बाद का नंबर सीरियल नंबर होता है, मतलब यह कोच के रखरखाव या मेंटेनेंस का एक टाइम होता है जैसे कि 5 साल या 10 साल, कितने समय के बाद कोचेस को रिपेयर किया जाना चाहिए या फिर यह कोच उस समय के बाद काम करना बंद कर देगा, यह बाकी हम उस चीज को दर्शाते हैं। दोस्तों हमने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है कि रेलवे के डब्बों पर लिखे इस नंबर का मतलब क्या होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।